सो ही व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गेमिंग द रहीम। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्री फायर के ओल्ड मेमोरीज के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आज से जो 3 साल पुराना फ्री फायर है उसमें यार कितने ज़्यादा चेंजेस हुआ करते थे। आज जैसे फ्री फायर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, उस टाइम पे गेम था पे टू विन बिल्कुल भी नहीं था। और यार सबसे बढ़िया उस टाइम की बात मुझे यही लगती थी यार, गन की कोई स्किन भी नहीं होती थी, तो हमें जो गन अच्छी लगती थी हम बस वही गन चलाते थे। और यार सबसे बड़ी हंसी की बात तो मुझे ये लगती है, उस टाइम पे हम सबको लगता था कि P90 गन है वो गेम की सबसे बेस्ट गन है, और हम सब होते थे P90 लेके घूमते थे। और यार उस टाइम पे हमें लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज का तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। हम लोग सोचते थे बस जो गन लंबी है वो हम लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ करेंगे, और जो गन छोटी है वो हम शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ करेंगे। और जो लोग फ्री फायर के बहुत टाइम पहले से खेल रहे हैं तो उन लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि यार स्कल मास्क और जोकर था गेम का सबसे ज़्यादा रेयर बंडल होता था। अभी आप लोगों से मैं पूछूंगा कि गेम का सबसे रेयर बंडल कौन सा है, तो आप लोग जवाब दोगे भाई ग्रीन क्रिमिनल है, फिर हिप हॉप है, फिर कोई ऐसा बंडल बताओगे। लेकिन गाइस सबसे पहले जो फ्री फायर का सबसे रेयर बंडल होता था वो था हमारा स्कल मास बंडल और जोकर का बंडल। अभी तो आप लोग बोलोगे यार स्कल मास में ऐसा क्या है, यार स्कल मास उस टाइम पे भी स्टोर में था, लेकिन 400 डायमंड उस टाइम पे यार इतने ज्यादा होते थे, क्या 40,000 डायमंड की भी उतनी कीमत नहीं होती है जितनी उस टाइम पे 400 डायमंड की थी। उस टाइम पे यार हमें टॉप अप से तो बिल्कुल लेना देना होता नहीं था, हम लोग बस यार वेट करते थे कब जो ज्ञान गेमिंग स्ट्रीम करेगा यार उसके, मतलब स्ट्रीम पे बहुत सारे होता था गिव अवे स्कल मास का, तो हम लोग सोचते थे यार कैसे भी करके बस हम इसकी स्ट्रीम देखेंगे पूरी और हमें स्कल मास बंडल मिल जाएगा। और जब 3-3, 4-4 घंटे की स्ट्रीम देखने बाद हमें स्कल मास बंडल नहीं मिलता था ना, तो हम लोग सोचते थे भाई यार हमें क्यों नहीं मिल रहा है। उस टाइम पे हमें पता भी नहीं था कस्टम में पार्टिसिपेट करना होता है, उसके बाद जब हम जीतेंगे तब हमें मिलता है, और यार हम अपने 4-4 घंटे होते थे वहां पे ऐसे ही वेस्ट कर दिया करते थे। और यार जैसे स्कल मास और जोकर का ट्रेंड खत्म हुआ था, उसके बाद जो सबसे ज्यादा रेयर चीज होती थी वो थी हवाई चप्पल, जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। आप लोग अभी सोचोगे यार ये तो कोई रेयर चीज नहीं है, लेकिन यार आज से 2.5 से 3 साल पहले ये जो चप्पल है इतनी ज्यादा रेयर होती थी कि जिस भी बंदे के पास हमें ये चप्पल दिखती थी हम लोग यार सोचते थे यही बंदा सबसे ज्यादा प्रो है। और अगर पहले की बात करें, यहाँ गेम में एक मोड आता था जॉम्बी वाला मोड, तो यार हम जो थे रैंक और क्लासेस है तो हमें कोई मतलब ही नहीं था, उस टाइम पे क्लैश स्क्वाड भी नहीं होता था, तो सबसे ज़्यादा जो हम गेम खेलते थे वो जॉम्बी वाला मोड का हम दिन भर खेलते रहते थे। वहाँ पर होता क्या था, हमें जॉम्बी मिलते थे, हमें जॉम्बी को मारना पड़ता था, और उसके बदले में बहुत सारे टोकन से मिलते थे जिसकी वजह से गाइस हम जो बहुत सारी चीज़ें ले सकते थे। लेकिन यार उस टाइम पर हम सब इतने वाला नूब थे ना कि हमने वो जो जॉम्बी का बंडल था वो लिया ही नहीं था, और आज वो बंडल है कितना ज़्यादा रेयर है ये तो आप लोगों को पता होगा। और यार पहले हमें सेफ जोन के बारे में बिल्कुल पता नहीं रहता था, हम लोग सोचते थे यार ये क्या चीज़ आ रही है। और जब मैंने नया फ्री फायर खेलना शुरू करा था ना, उस टाइम पे तो मैं जो ब्लू जोन होता है उसको देख के डर जाया करता था, मुझे लगता था भाई ये क्या चीज़ आ रही है गेम में, मतलब कोई खराबी हो गई जिसकी वजह से आ रहा है, और जाके मैं किसी घर में छुप जाता था, मुझे लगता था शायद ये कोई मॉन्स्टर आ गया गेम में। और यार घर में छुपने के बाद हम लोग वेट करते थे कब जो ये सेफ जोन है आगे निकल जाएगा, और जैसे वो आगे निकल जाया करता था तो हमारी HP होती थी वो धीरे धीरे कम होने लगती थी, और हम लोग सोचते थे कोई हैकर है जो आके हमें मार रहा है। और यार इतनी हंसी आती है ना अब ये बात सोच के कि यार उस टाइम पे हमें इतना भी नहीं पता था ये सेफ जोन क्या होता है। और यार जैसे जैसे हम लोग गेम खेलते गए, हम लोग थोड़े थोड़े गेम को समझने लगे, गेम में हमें क्या करना होता है, उसके बाद जो हमें सबसे बढ़िया गन लगती थी वो थी फामास। आप लोगों को भी याद पता होगी पहले के टाइम में ड्रैग हेडशॉट या वन टैप हेडशॉट ऐसा कुछ भी नहीं होता था, उस टाइम में जो एक ही ट्रिक चलती थी वो थी स्कोप इन आउट या फिर सिटअप हेडशॉट, और उन दोनों के लिए जो सबसे बेस्ट गन थी वो थी फामास। तो यार सभी लोग तो फ्री फायर में बस फामास का यूज़ करते थे, हर बंदे को देखो यार मतलब फामास को सबसे बेस्ट मानता था। और आप लोग किसी भी जो पुराना स्ट्रीमर है उसकी वीडियो उठा के देख लेना कि यार पुराने टाइम में जो सभी बंदे थे सबसे बेस्ट गन मानते थे वो फामास थी। और यार वो भी क्या दिन थे ना जब फ्री फायर में आलोक या फिर क्रोनो या स्काइलर ऐसा कोई भी करेक्टर नहीं होता था, पुराने टाइम में जो हम सभी यूज़ करते थे कैरेक्टर वो था क्ला का। इस क्ला सबसे ज़्यादा रेयर उस टाइम पे होता था, जिस भी बंदे के पास एक बार क्ला होता था ना उसको हम लोग सबसे ज़्यादा प्रो मानते थे। और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके बाद हयातो कैरेक्टर आया था, हयातो जिसके पास होता था ना गाइस मतलब इतना ज़्यादा हम उसे प्रो मानते थे कि अगर कोई सामने हयातो वाला बंदा आता था ना तो हम लोग उससे डर जाया करते थे, हम लोग सोचते थे यार ये इतना ज़्यादा प्रो है इसने हयातो कैरेक्टर खरीद लिया तो ये हम लोग आराम से मार देगा। लेकिन हमें उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यार कैरेक्टर से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारी स्किल अच्छी है तो हम सामने वाले एनिमी को आराम से मार सकते हैं। और ये जब पहले ईस्टर का इवेंट चल रहा था तो फ्री फायर वालों ने लॉबी में एक एग लगा दिया था, मतलब एक बहुत बड़ा सा अंडा लगा दिया था, तो उसके ऊपर हम लोग गोलियां भी चला सकते थे या फिर मुक्का मार सकते थे। और हम सोचते थे यार कैसे भी करके अगर एक बार हमने इस अंडे को फोड़ दिया तो इसके अंदर से हमें डायमंड मिल जाएंगे, लेकिन अब आके पता चला कि वो बस एक प्रमोशन के लिए था। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग यार चाहते हो कि आप लोगों को फ्री फायर में फ्री डायमंड मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक दे दिया, उसको जाकर डाउनलोड कर लेना, आप डेली के 1000 डायमंड आराम से जीत सकते हो। तो चलो गाइस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यार पहले के टाइम में हम सभी लोग हैं ग्लूअल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते थे, हमें ये भी समझ में नहीं आता था कि ग्लूअल दी भी किस लिए है। हम जो एक चीज़ का यूज़ करते थे एनिमी से बचने के लिए वो था प्रोन बटन, सबसे ज़्यादा लोग यही करते होंगे, जैसे कोई एनिमी हमारे सामने आता था
हम लोग यार सोचते थे हम लोग घास में छुप जाएंगे और फिर एनिमी है वो हमें देख ही नहीं पाएगा यार, क्योंकि पहले फ्री फायर की जो घास थी यार वो सच्ची में इतनी ज़्यादा लंबी होती थी ना कि अगर उसमें कोई बंदा अगर हरी ड्रेस पहन के लेट गया तो यार उसको मतलब देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाया करता था। तो आप लोग बताना आप लोग कभी ये चीज़ करते थे? तो पहले के टाइम में हम सभी लोग बस यही बोलते थे यार ये क्या गेम है बेकार सा एकदम, इसकी ग्राफिक भी अच्छी नहीं है। लेकिन यार हम लोगों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि आगे जाके यार इसी फ्री फायर को हम इतना ज़्यादा मिस करने वाले हैं। तो यार पुराना जो फ्री फायर था ना वो एकदम लेजेंडरी था, आपका फ्री फायर उसकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकता। चाहे अभी गेम के ग्राफिक कितने भी अच्छे हो गए हैं यार, कितनी भी चीज़ें आ गई हों गेम में, लेकिन यार जो पुराना फ्री फायर था वो सबसे बेस्ट था। और यार मैं तो चाहता हूँ फ्री फायर का एक लाइट वर्जन निकाल दिया जिसमें फ्री फायर की सभी चीज़ें मतलब एकदम पुरानी जैसे हों, तो यार उसको खेलने में मज़ा भी आएगा, हम लोग यार बहुत ही आराम से खेलेंगे उस गेम को। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना इस चीज़ के लिए आप लोगों की क्या राय है। और यार मेरे पास एक ट्रिक है जिसकी मदद से हम जो पुराना वाला फ्री फायर है अभी के टाइम में भी खेल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वो ट्रिक जाननी है तो इस वीडियो पे कंप्लीट करने होंगे 50,000 लाइक। मुझे पता है बहुत ज़्यादा मैंने इस बार लाइक टारगेट रख दिया है, लेकिन यार पुरानी फ्री फायर की ओल्ड मेमोरीज वाली वीडियो थी उस पर भी आप लोगों ने 1,08,000 लाइक कंप्लीट करा दिए हैं। तो यार 50,000 तो फिर भी आप लोगों के लिए बहुत छोटा टारगेट है। तो यार 50,000 लाइक का टारगेट रखना है, अगर 50,000 लाइक आ जाते हैं इस वीडियो पे तो यार मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग जो पुराना फ्री फायर को खेल सकते हो। तो पहले के टाइम में जब हम किसी भी बॉट को मारते थे तो हम लोग सोचते थे यार गेम के सबसे बड़े प्रो हम ही बनेंगे, हम ही गेम में आगे जाकर लेजेंड बनेंगे। लेकिन यार ये बात हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी कि फ्री फायर जानबूझ के जो बॉट है गेम में भेजता है ताकि हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई हो और हम जो है फ्री फायर को आगे भी खेलें। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बस यार ये पुरानी यादें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक करना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, और अपने फ्री फायर खेलने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से इस वीडियो को शेयर करना। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।